और अपने हिंदुस्तान में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, हालांकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जरूरत पड़ती है हमने हिंदुस्तान में, इसीलिए नई नई यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन मिलता भी है। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में, उन्हीं में से एक नाम आता है टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी। शिलोंग मेघालय में यूनिवर्सिटी स्थित है ये। और दोस्तों ऐसी कई सारी मार्कशीट्स टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की आपने हमको भी भेजा वेरीफाई करने के लिए, जब हमने वेरीफाई करवाई तो नेगेटिव आया। जैसे ही आप जाकर मेघालय पर क्लिक करेंगे तो मेघालय पर क्लिक करने के बाद में टोटल यूनिवर्सिटीज जो मेघालय में चलती हैं उनके नाम आएंगे। टोटल 9 यूनिवर्सिटीज हैं मेघालय में, लगभग सब पर हमने पहले वीडियोस बनाई हैं। छठे नंबर पर आप देखोगे तो टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं। देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो यूनिवर्सिटीज बंद है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी ठीक से चलती नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पर फिर भी उनके नाम पर बहुत सारी ऐसी फर्जी मार्कशीटें बांट दी जाती हैं जो कि कहीं भी अस्तित्व में होती ही नहीं। और अपने हिंदुस्तान में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, हालांकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जरूरत पड़ती है हमने हिंदुस्तान में, इसीलिए नई नई यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन मिलता भी है। पर ऐसी यूनिवर्सिटीज जो चल ही नहीं रही हैं फिर भी उनकी मार्कशीट्स बांटी जा रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ वही जो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि जॉब बिना डिग्री मिलती नहीं, और जो आपके अंदर काबिलियत है उसको कोई देखना चाहता नहीं। और जब तक ये सब खत्म नहीं होता कि मतलब डिग्री के बेस पर ही नौकरी मिलेगी, तब तक ये फर्जीवाड़ा बंद होगा भी नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियो बनाई है, बहुत सारे कॉलेज और कोर्सेज के बारे में आपको बताया है और वक्त वक्त पर हमेशा आपको अवेयर हम करते भी रहते हैं। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में, उन्हीं में से एक नाम आता है टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी। शिलोंग मेघालय में यूनिवर्सिटी स्थित है ये। और दोस्तों ऐसी कई सारी मार्कशीट्स टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की आपने हमको भी भेजा वेरीफाई करने के लिए, जब हमने वेरीफाई करवाई तो नेगेटिव आया। क्या है टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पीछे की हकीकत? क्या यूनिवर्सिटी चलती है? यूनिवर्सिटी का अप्रूवल कहाँ से है? कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है? कौन से कोर्सेज के फेक हैं? ऐसे कई सारे जो सवाल आपके दिल में हैं, आज सभी के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिलोंग के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर और आपके ज्यादातर डाउट्स हम क्लियर कर देते हैं। हम लोते हैं, अकेले हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं डीप तक उसके बारे में बताने की। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, यह भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की हकीकत क्या है? यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहां से आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं? पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, दोस्तों अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट कौन करता है? वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सभी यूनिवर्सिटीज चलती है और माना जाता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी पर वो सभी यूनिवर्सिटीज मान्य है, बिल्कुल सही तरह से मान्य है और उनको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो हम टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैसे चेक करेंगे कि यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं? सबसे पहले आप जाएंगे यूजीसी पर, www.ugc.ac.in। जैसे क्लिक करते हैं तो जो टैब्स बने हैं वहां पर आएगा यूनिवर्सिटीज का एक टैब आएगा। आप क्लिक करते हैं यूनिवर्सिटीज के टैब पर, क्लिक करने के बाद में नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में वहां आप क्लिक करेंगे मेघालय को।
जैसे ही आप जाकर मेघालय पर क्लिक करेंगे तो मेघालय पर क्लिक करने के बाद में टोटल यूनिवर्सिटीज जो मेघालय में चलती हैं उनके नाम आएंगे। टोटल 9 यूनिवर्सिटीज हैं मेघालय में, लगभग सब पर हमने पहले वीडियोस बनाई हैं। छठे नंबर पर आप देखोगे तो टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2 दिसंबर 2008 में। और यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए अगर देखोगे तो आप इसके थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस स्टिल अवेटेड, मतलब इंस्पेक्शन नहीं हुआ आगे फर्दर इसका, अभी तक भी वेटिंग है। और टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जब आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में लिखा है www.technoglobalyuniversity.com, मोर डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स डली हैं, पर वीसी साहब की इन्फॉर्मेशन 0 और साथ में रजिस्ट्रार साहब की इन्फॉर्मेशन भी 0, सिर्फ नाम लिखा है जो वीसी साहब है डॉक्टर पी भट्टाचार्य। अब बात आती है कि यूजीसी ने जब रिकॉग्नाइज किया है इस यूनिवर्सिटी को तो प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते क्यों नहीं है, ये ऐसी क्या बात है कि ये यूनिवर्सिटी वेरीफाई आपको करना चाहती नहीं। अब दोस्तों जाइए इसकी वेबसाइट पे, आप वेबसाइट क्लिक करोगे जो वहां लिखी थी www.technoglobalyuniversity.com। जैसे ही क्लिक आप करते हो यहां पर एक नोटिस नुमा खुला हुआ है, टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय। अब लाइन पढ़ते हैं, लाइन क्या लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण, आपको समझने की बहुत जरूरत है। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिलोंग हैज नेवर स्टार्टेड एनी एकेडमिक एक्टिविटी, मतलब इस यूनिवर्सिटी ने कभी भी अपनी कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी चलाई ही नहीं। सिंस इंसेप्शन, जब से यूनिवर्सिटी बनी है, इंसेप्शन मतलब जब से आरंभ हुआ, जब से यूनिवर्सिटी बनी है हमने कोई मार्कशीट ही नहीं दी। वी हैव नेवर इशूड एनी मार्कशीट, हमने कोई मार्कशीट कभी इशू नहीं की। सर्टिफिकेट एंड डिग्री टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को हमने ना डिग्री दी, ना सर्टिफिकेट दिया, ना मार्कशीट्स दी। वी हैव ऑल्सो नेवर ऑथराइज्ड एनी पर्सन, हमने किसी पर्सन को कभी ऑथराइज भी नहीं किया, और एनी इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूट को भी हमने ऑथराइज नहीं किया टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस, जो हमारे बिहाफ पर काम करें। अब जब ये बातें रजिस्ट्रार ने लिखी है यहाँ पर, हालांकि रजिस्ट्रार साहब का फोन नंबर भी है, उनकी मेल आई डी भी है, तो ये मार्कशीट्स कहाँ से आ गई? मार्कशीट तो बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं मार्कशीट की, हमें वेरिफिकेशन करा कर, तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको, आपके पास कोई भी मार्कशीट है कि जुगाड़ से आपने मार्कशीट ले ली, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है, तो RTI जरूर लगाओ, RTI लगाओ, वेरीफाई करवाओ। जब तक वेरिफिकेशन ना हो डॉक्यूमेंट के लगा मत देना, इवन किसी प्राइवेट जॉब में भी मत लगा देना, फंस जाओगे किसी दिन, आप जेल जाना पड़ेगा। ऐसे मामलों में 400 BC के साथ साथ 467-68 भी लगता है, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान होता है उसके अंदर। तो बेहतर है किसी भी चीज को करने से पहले उसके पीछे की क्या परसेप्शन लोगों की है, क्या सोचते हैं लोग, इन सब को बहुत अच्छे से पहले आप समझ लें। और अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी जरूर। और साथ में टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ में भी है तो उन्हें इमीडिएटली वेरीफाई करवा लें, हालांकि फेक ही निकलेंगे वो, मेंशन है सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट किसी भी तरह का है इस यूनिवर्सिटी को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। और क्या कहना चाहोगे आप ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में जो बंद हैं फिर भी उनके सर्टिफिकेट्स बढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों कोई भी आप नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी पर वीडियो चाहते हैं, किस कॉलेज या किस कोर्स पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको और एजुकेशन के अपडेट देने की हम कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी तरह की जो हम एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए कराते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।